हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका डेबिट कार्ड का ईएमआई का ऑप्शन नॉट श्योर है दोस्तों। आप एलिजिबल भी हो तो कभी कभार आपको दिखा रहे फ्रेंड्स यू आर नॉट एलिजिबल। आप बैंक में चेक करते हो या आप एसएमएस के ज़रिए चेक करते हो, आप एलिजिबल दिखा रहे हो, पर आप अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट में चेक करो तो फ्रेंड वहाँ हमको नॉट एलिजिबल लिख कर रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने अपने एक अकाउंट में इसको ठीक कर डाला दोस्तों। ये दूसरा अकाउंट है जिसमें आपको दिखाऊँगा फ्रेंड इसके अंदर कैसा नॉट एलिजिबल लिख के आ रहा है, और मैं आपको बताने वाला फ्रेंड इसको आप कैसा सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजीली तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियो लाते रहता दोस्तों। तो चलिए हम अपने डेबिट कार्ड के ईएमआई के ऑप्शन में चले जाएंगे। आपको नहीं पता तो देखिए, मैंने अभी बताया था उसके ऐसा देख के आपको ईएमआई के ऑप्शन में आने का। यहाँ लिखा हमको करेंटली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डेबिट ईएमआई। तो दोस्तों ये ऐसा इसलिए लिख के आ रहा, हमारा अपडेट नहीं हुआ था फ्रेंड्स, हमारा इधर अपडेट नहीं हुआ पर हमारा बैंक में हो जाता, दोनों जगह हमारा जो ईएमआई ऑप्शन है दोस्तों तो ये पहले से हमारा ये आते रहता। जब हम एलिजिबल नहीं होते तभी भी हमारा ये दिखाते रहता, तो अब जब एलिजिबल हो जाते उसके बाद अपडेट होने में इसको बहुत टाइम लग जाता, कभी कभी 1 से 2-3 महीना भी फ्रेंड लग जाता है। इसके लिए हमको इधर नहीं दिखाता फ्रेंड। इसको अपडेट कराने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो आप कैसा रिक्वेस्ट करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा। तो आपको सेम टू सेम वैसा रिक्वेस्ट करेंगे फ्रेंड, और आपको ये बताने वाला फ्रेंड्स जैसा आप रिक्वेस्ट करोगे उसके बाद ही आपका जो अपडेट का है वो एलिजिबल हो जाएगा दोस्तों। 1 से 2 दिन लगता है, मेरा भी 1 से 2 दिन लगा था, हो गया था दोस्तों। हमको जीमेल में जाके कॉम्पोस में जाने का, उसके बाद देखिए इधर हमको एक रिक्वेस्ट करना है बैंक से करेंगे फ्रेंड। बैंक में करने का आपको वहाँ से ही आपका अपडेट होएगा, अमेजोन में शो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका फ्लिपकार्ट में भी शो नहीं तो वहाँ भी शो होएगा यू एलिजिबल दोस्तों, ऐसा करके आपको शो होएगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत जिनके साथ आती है फ्रेंड, तो अपना नाम लिख लेने का पहले आपको, या फिर आपका रजिस्टर जो मोबाइल नंबर होता है बैंक के अंदर जिसमें आपको डेबिट कार्ड का ईएमआई का ऑप्शन शो हो रहा है वही लिखने का है। और उसके बाद फ्रेंड जो आपने यहाँ लिखे वो अमेजोन में भी रजिस्टर, दोनों नंबर सेम होंगे तभी आपका ऑप्शन शो होता है। आपका अलग अमेजोन में अलग नंबर है और बैंक का डेबिट कार्ड के ईएमआई में अलग नंबर है, तो इसके लिए भी बहुत जिनको ऑप्शन शो नहीं होता फ्रेंड। देखिए हमको ऐसा लिख लेने का, आई एम एलिजिबल फॉर डेबिट कार्ड ईएमआई बट अमेजोन शो नॉट अवेबल। तो ऐसा लिख के आपको शोइंग नॉट अवेबल लिख के आपको अपने बैंक वाले को सेंड कर देना। आपको कोई भी बैंक हो फ्रेंड, ये सब बैंक की पे प्रॉब्लम आ रहा है, कोटेक, HDFC, SBI, फेडरल बैंक और दोस्तों एक्सिस बैंक, ये सब बैंक में प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये यहाँ अपडेट नहीं हो पाता है। तो आपको ये बैंक में रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसा आपके कोई भी बैंक हो सब में दोस्तों ये इशू है, तो आपको अपने बैंक का ईमेल आईडी निकालने का और इसमें डाल के आपको सेंड कर देने का। तो मैं आपको यहाँ ईमेल आईडी नहीं देने वाला फ्रेंड, आपको खुद ही निकालना है क्योंकि ईमेल आईडी कभी दोस्तों अपडेट होते रहता है। इसके लिए अभी दूंगा तो बाद में आपका जाएगा नहीं, इसके लिए मैं आपको ईमेल आईडी अभी नहीं देने वाला हूँ। आपको कस्टमर केयर से खुद ले लेने का है ईमेल आईडी, और नहीं तो जाके वेबसाइट से भी ले सकते हो। तो आपको मैसेज आते रहते बैंक की तरफ से, वहाँ उस पर भी आप भेज सकते हो ईमेल आईडी का, देख लेने का एड्रेस का, उस पर भेज देने का। तो दोस्तों यहाँ आप ईमेल आईडी डाल लेना बैंक का, कोई भेज देने का, जैसा आप भेजोगे दोस्तों वैसे ही आपका जो भी प्रॉब्लम है आपके बैंक की तरफ से आपको एक रिस्पांस आएगा, उसके बाद आपका ये सॉल्व हो जाएगा। और फ्रेंड बताना चाहूँगा कि अमेजोन में आपका नंबर देख लेना दोनों सेम है कि नहीं है, जरा से भी नंबर अलग होता है अमेजोन में इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो आपका नंबर सेम टू सेम होना चाहिए, आपका नंबर सेम नहीं है तो फ्रेंड आपको कैसा चेक करने का, अंदर जाके अपडेट एक बार कर लेने का आप इस नंबर को, क्या करने का फ्रेंड्स को कट करके फिर से हमको अपना नंबर डालने का अमेजोन की सेटिंग में जाके और उसको अपडेट कर देने का है। तो आप चाहिए तो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करके फिर से एक्टिवेट करके फ्रेंड वही नंबर के साथ तो आप कर सकते हो। तो यहाँ हमारा जो भी रहता है अपडेट हो जाएगा, आपके जो नंबर पे एलिजिबल शो हो रहा है बैंक में पर इधर नहीं हो रहा फ्रेंड तो हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ऐसे अपना इधर देखिए जो नंबर होता है यहाँ भी चेंज कर देंगे सब जगह, आपको अपना जितने भी अमेजोन में गलत एड्रेस डाले हो उसके नंबर गलत डाले सब जगह आपको चेंज कर देने का, बैंक के जैसा सेम नंबर होना चाहिए फ्रेंड, तो जाके आपको ये एलिजिबल हो जाएगा। तो आपको एक प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। आपका कार्ड को एक बार आपको डिलीट कर देने का, फिर से आपको कार्ड को ऐड करने का, जो आपका कार्ड होता है जिसपे आपको बैंक में एलिजिबल दिखा रहा है अमेजोन में, इसको डिलीट करके फिर से आपको क्या करने का एक बार उसको डालने का, फिर आपको सेव कर देने का है। तो दोस्तों फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है ये 2-3 चीज़ करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा हो फिक्स हो जाएगा फ्रेंड, फिर आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी दोस्तों। तो मेरा भी ऐसे ही आ रहा था तो मैंने किया दोस्तों, मेरा फिक्स हो गया। तो आपको क्या करने का, अपने कार्ड को निकाल के फिर से डालने का है और बैंक वाले से कॉन्टैक्ट करने है, 2 चीज़ कर लेना तो आपका हो जाएगा, नंबर भी चेक कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।